हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम विक्की है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम नोज को ड्रॉ करेंगे, और मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसमें जो वीडियो में मटेरियल्स में यूज करूँगा, स्केच पेपर, टू बी पेंसिल, नीडेड इरेजर और शार्पनर का मैं यूज करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केच करेंगे सेंटर लाइन, आई लाइन और बॉटम लाइन को। तो हमें जो नोज के सेंटर में एक वर्टिकल लाइन खींचनी है और एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे जो दोनों आँखों के नीचे होगी, और नाक के नीचे एक रेखा खींचेंगे। तो इस तरीके से मैं पहला जो स्टेप है उसको मैं कंप्लीट करूँगा। देन ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम मूव करेंगे इस सेकेंड स्टेप की तरफ। तो साइड्स मुझे ड्रॉ करनी है, ब्रोज और नोस्टल लाइन मुझे ड्रॉ करनी है सेकेंड स्टेप में। जिस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से आप भी ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर मैं जहाँ पे आँख की दो लाइंस है उसको जोड़ते हुए टू लाइंस, और नोज के नीचे वाले पार्ट में भी दो लाइंस खींचेंगे जहाँ पे मुझे नोस्ट्रल स्केच करनी है। तो सेकेंड स्टेप में मैं ये कंप्लीट करने वाला हूँ, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद हम मूव करेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैं डेवलप करूँगा स्ट्रक्चर लाइंस को और शेडो लाइंस को मैं ड्रॉ करूँगा। तो अब हम स्ट्रक्चर लाइंस और को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि नोस्ट्रल लाइन हो गई। नोस्ट्रल लाइन में डिटेल देंगे और नीचे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और लोअर पार्ट में नोज और नोस्ट्रल लाइन भी डेवलप करेंगे। शेडो के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे और उन लाइंस को इरेज करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से मैं ये स्टेप कंप्लीट करूँगा, और इरेज कर लेंगे हम उन लाइंस को जो हमारे लिए अनवांटेड लाइंस हैं। अब हम मूव करते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैं शेडिंग स्टार्ट करूँगा। तो शेडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लाइट ब्लू डालूँगा सबसे पहले। तो फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट लेयर है हमारी, तो यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का ही यूज कर रहा हूँ, और हल्की हल्की लाइट वैल्यू हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम डार्क वैल्यू डालेंगे पांचवें स्टेप में। तो और भी हम डार्क वैल्यू उस जगह पे डालेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं डार्क वैल्यू कम्प्लीट कर रहा हूँ एक लाइट वैल्यू के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट्स राइट हैंड साइड से आ रही है, और तो डार्क वैल्यू हम डार्क जो वैल्यू है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे। इस तरीके से मैं डार्क वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे बॉल शेप जो देख सकते हैं, इस तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ। ये जब कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद हम मूव करेंगे सिक्स स्टेप, छठवें स्टेप की तरफ। तो हम जो फिनिश करेंगे डार्क और हाइलाइट्स को, तो जहाँ पे मुझे शेडो एरियाज़ हैं और नोस्टल को और डार्क करेंगे, और हम नीडेड इरेजर की हेल्प से उन एरियाज़ को इरेज करेंगे जहाँ पे मुझे हाइलाइट्स दिखानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि लाइट है वो राइट हैंड साइड से आ रही है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है। इस तरीके से मैं शेडिंग डाल रहा हूँ। तो अब मुझे जो फाइनल है मेरा, यहाँ पे मैं लाइट डार्क शेड डालूँगा, और अपनी जो आर्टवर्क को और भी अच्छा परफेक्ट और भी हम लाइट्स दिखा सकते हैं। इस तरीके से होते हुए हम यहाँ पे 2B पेंसिल का ही यूज कर रहे हैं। 2B पेंसिल से हम लाइट ही करेंगे, 2B पेंसिल से हम डार्क करेंगे। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमने ज़्यादा डार्क किया है, क्योंकि लाइट जो है वो राइट हैंड साइड से आ रही है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरीके से मैं अपनी शेडिंग कंप्लीट कर रहा हूँ डार्क वैल्यू डाल के, और उस जगह को छुपा रहा हूँ जहाँ पे लाइट आ रही है। लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इरेज करेंगे नीडेड इरेजर से। तो बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो हल्के हल्के हाथों से हम मिटाएंगे, इरेज करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो लाइक, और मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। थैंक यू सो मच।